हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म फर्स्ट है बाइपार्टाइट ग्राफ। बाइपार्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन है, लेट जी बी एनी ग्राफ। मान लो जी कोई ग्राफ है, इफ वर्टेक्स एट वी, वर्टेक्स का कोई सेट है वी, कैन बी पार्टीशन्ड इनटू टू डिसजॉइंट सबसेट्स ए एंड बी। हमारे पास कोई वर्टेक्स का सेट है वी, हम उसको कहते हैं पार्टीशन कर सकते हैं, उसके दो पार्ट कर सकते हैं। पार्टीशन में क्या होगा, वो डिसजॉइंट होगी, यानी कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एबीसी पॉइंट है और ये डी और ई पॉइंट है। मेरे पास वर्टेक्स का सेट था एबीसीडीई, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से, डिसजॉइंट यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट है ए एंड बी, सच दैट एवरी एज इन जी, सच दैट क्या होगा कि जी में जो हर एज है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एजेस है, ये मेरे पास पूरा जी है, इस जी में सभी एजेस है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एजेस होंगे वो एक वर्टेक्स ए का लेंगे, वो एक वर्टेक्स बी का लेंगे। आपको पता है ना कि एक एज कैसे ज्वाइन करता है, एक एज को ज्वाइन करने के लिए दो वर्टेक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दो वर्टिसेस चाहिए होते हैं, तो एक वर्टिसेस हमारा ए से आएगा और दूसरा वर्टिसेस हमारा नीचे वाले पार्ट से आएगा। मतलब दो पार्टीशन करी थी ना हमने ए और बी, तो एक पॉइंट हमारा एज का ए वाले पार्टीशन से आएगा और दूसरे वाला एज हमारे दूसरे पार्टीशन से आएगा, तब हम उसको बोलेंगे बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इस ग्राफ से समझ लो। इस ग्राफ में क्या है कि ए पार्टीशन ये रही मेरे पास और ये मेरे पास है बी पार्टीशन। इसमें क्या है कि इसका हर पॉइंट दूसरे पार्टीशन पर जाकर मिल रहा है। देखो, बी मिल रहा है ई पर जाकर, सी मिल रहा है डी पर जाकर, ए मिल रहा है डी पर, तो इसको हम बोलेंगे बाइपार्टाइट ग्राफ। सिमिलरली दूसरा जो डेफिनेशन है वो है कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन है, इफ एवरी वर्टेक्स इन ए इज जॉइंड टू एवरी वर्टेक्स इन बी। दो पार्टीशन है मेरे पास, ए और बी पार्टीशन है, अगर ए का हर वर्टेक्स बी के हर वर्टेक्स से ज्वाइन हो जाता है तो वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होगा। एग्जांपल के लिए ये वाला फिगर देखो आप, इसमें मेरे पास ये तीन पॉइंट्स हैं ए पार्टीशन के, तीन पॉइंट्स हैं बी पार्टीशन के। अब ये वाला पॉइंट है दूसरे पार्टीशन पे कैसे मिल सकता है, ये इस पर भी मिल सकता है, ये इस पर भी और ये इस पर भी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी इन तीनों से मिल सकता है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी इन तीनों से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेनर ग्राफ्स। प्लेनर ग्राफ्स की डेफिनेशन है, इट इज ए ग्राफ ड्रॉन इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट नो टू एजेस इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस ईच अदर। अब प्लेनर ग्राफ में क्या होता है कि इसमें हम ग्राफ एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी दो एजेस, ठीक है, कोई भी दो एजेस इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि क्रॉस ना करें एक दूसरे को। ठीक है, तो वो होते हैं प्लेनर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक प्लेनर ग्राफ बनाया, बनाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट ग्राफ लिया है जिसमें फोर वर्टिसेस है, कंप्लीट ग्राफ जिसमें फोर वर्टिसेस हैं, उसको हम के फोर के फॉर्म में शो करेंगे। इज यूजुअली ड्रॉन विद क्रॉसिंग एजेस लाइक दिस। यूजुअली हम इसको कैसे बनाते हैं, क्रॉसिंग एजेस ऐसे बनाएंगे इसको। अगर मान लो हमें नॉर्मली किसी ने ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया विदाउट प्लेनर, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ग्राफ बनाना है चार एजेस को लेकर, चार वर्टिसेस को लेकर, तो मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ और इसमें क्रॉस एजेस भी आ सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये कंडीशन ये बोली गई है कि प्लेनर ग्राफ में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी, तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को हटा दिया, इस लाइन को हटाया यहाँ से और इसको बाहर से घुमा दिया। ठीक है, तो ये बन गया K4, प्लेनर ग्राफ बन चुका है। सिमिलरली अगर हम 5 के केस में देखें, अगर हम 5 वर्टिसेस लेकर चलें, तो 5 वर्टिसेस में अगर हम नॉर्मली ग्राफ बनाए तो ऐसे बनता है, बहुत सारे इसमें क्रॉसिंग एजेस हैं। ठीक है, तो ये तो प्लेनर ग्राफ तो कंडीशन भी बन नहीं पा रही इसके अंदर। सिमिलरली फिर हमने ट्राई किया कि अगर हम ऐसे बना पाए, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये क्या हुआ कि बाकी तो चलो बाहर निकल गए, लेकिन V2 से V4 वाला जो एज है, अगर हम उसको बाहर से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्रॉस करेगा, जरूर क्रॉस करेगा यहाँ से। ठीक है, चाहे आप ऊपर से निकालने की कोशिश कर लो, फिर भी क्रॉस करेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी कि हम V2 से ऊपर से इसको निकाल दें V4 तक। ठीक है, तो प्लेनर ग्राफ की कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग एजेस बन रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज ए नॉन प्लेनर। तो K5 नॉन प्लेनर हो जाता है, K4 प्लेनर है। नेक्स्ट टर्म है रीजन। रीजन की टर्म की डेफिनेशन है, अ प्लेनर ग्राफ पार्टीशंस द प्लेन इनटू सेवरल रीजंस, दीज रीजंस आर कॉल्ड फेसेस। अब प्लेन ग्राफ की अगर हम बात करें, इस ग्राफ को देखो आप, इस ग्राफ में क्या है कि प्लेन ग्राफ पार्टीशंस द प्लेन। अब ये प्लेन को काफी जगह से पार्टीशन कर दिया है, इसमें ब्रेक कर दिया है, इसमें काफी सारे पार्टीशन हो गए इनटू सेवरल रीजंस। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं फेसेस। सपोज कि आप ये ग्राफ देखो, ठीक है, इस ग्राफ में क्या है कि हमने इस प्लेन ग्राफ को पार्टीशंस में बांट दिया। ये पार्टीशन फर्स्ट है, यानी कि R1 रीजन हो गया, इनको हम बोलते हैं रीजन्स। R1 रीजन है, ये R2 रीजन है, ये R3 रीजन है, ये R4 है, और ये बाहर वाला R5 रीजन हो गया। तो ये होते हैं रीजन्स। अब साइकिल क्या है, द बाउंड्री ऑफ रीजन R ऑफ ए ग्राफ जी इज साइकिल। तो मान लो कि कोई रीजन है मेरे पास, ठीक है, ये रीजन R1 है, इसकी जो बाउंड्री है किससे मिलकर बनी हुई है, एजेस से मिलकर बनी हुई है ना,
देखो ए बी एच बी डी एच डी एच, तो इस साइकिल इफ बाउंड्री ऑफ आर कंटेन्स नो कट एजेस, तो कहते हैं कि हमारे पास इसको हम साइकिल कब बोलेंगे, जब इसमें कोई कट एज ना हो। ठीक है, कट एजेस क्या होते हैं, कट एजेस वो होते हैं जिनको हम रिमूव अगर करें तो फिर बाउंड्री पे फिर वो वाला जो रीजन होता है ना वो क्लोज सर्किट नहीं रह पाता। ठीक है, तो अगर वो ना हो उसमें तो उस बाउंड्री जो रीजन हमारा होगा उसकी बाउंड्री को हम साइकिल बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ फेस क्या है, डिग्री ऑफ फेस सिंपल एक बात है कि हमारे पास कोई रीजन है, फेस हम किसको बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं, उस रीजन के कॉन्टेक्ट में कितने एजेस है उसी वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, जैसे आपने लिखा इफ जी बी ए ग्राफ जी बी इट्स फेस, मान लो कोई जी ग्राफ है उसमें कोई जी फेस है। ठीक है, सपोज कि ये आर की जगह जी फेस, ये जी फेस है, देन नंबर ऑफ एजेस इन बाउंड्री ऑफ जी, इसकी बाउंड्री में कितने एजेस है वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, और जो कट एजेस होंगे, कट एजेस को हमने डबल ट्वाइस बार गिनना है, दो बार कट एजेस को दो बार गिनना है, बाकी एजेस को नॉर्मली गिनना है हमने। ठीक है, जैसे हमें कट एज आ गया ना तो इसमें हम दो बार गिनेंगे। अब देखो, अब डिग्री ऑफ आर वन निकाल रहे हैं, आर वन रीजन की डिग्री क्या है, आर वन रीजन में तीन बाउंड्रीज कॉन्टेक्ट हो गई, तीन एजेस कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो हमारे पास डिग्री क्या आएगी, थ्री आएगी। आर टू रीजन ले लो, आर टू रीजन की डिग्री क्या आएगी, आर टू रीजन है इसके कॉन्टेक्ट में तीन एजेस है। ठीक है, तो इसकी डिग्री थ्री होगी। आर थ्री ले लो, आर थ्री में कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री कट एज में डबल डबल माने जाएंगे। ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसके पांच हो जाएंगे, इसकी पांच डिग्री होगी। फिर आर फोर को देख लो, आर फोर में कितने हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, दोबारा से देख लो, वन टू ये पूरा थ्री और एक फोर, तो आर फोर के अंदर कितने हो गए, फोर एजेस, तो ये फोर आ जाएगा। आर फाइव की कितनी होगी, अगर मुझे डिग्री आर फाइव की निकालनी है, ये डिग्री ऑफ आर फाइव कितनी है, थ्री है, थ्री कैसे है, ये आर फाइव पूरा बाहर का रीजन है, इसके कॉन्टेक्ट में कितने एजेस है, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, तीन एजेस हो गए इसमें, तो ये होगी डिग्री ऑफ आर फाइव।